स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। खबर है कि प्रोजेक्ट के में कमल हसन की एंट्री हो गई है। वो इस फिल्म में प्रभास के अपोजिट एक विलन के रोल में नजर आएंगे। हालांकि कमल हसन अभी बाकी चीजों में बिजी हैं। रिपोर्ट्स हैं कि कमल हसन अगस्त 2023 से शूटिंग शुरू कर सकते हैं। कमल हसन को रोल पसंद आया है। प्रभास के पास इस वक्त दो बड़ी फिल्में हैं, आदि पुरुष और प्रोजेक्ट के। जहां आदि पुरुष 16 जून को रिलीज है, वहीं प्रोजेक्ट के की शुरुआत चल रही है। इस साइंस फिक्शन और एक्शन थ्रिलर फिल्म में कई बड़े स्टार्स हैं और अब एक और स्टार की एंट्री की चर्चा है। ये है एक्टर कमल हसन, जो कि प्रोजेक्ट के में प्रभास से भिड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कमल हसन इस फिल्म में विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कमल हसन को प्रोजेक्ट के की कहानी, उसकी थीम और उसका रोल काफी पसंद आया है। कमल हसन ने इस फिल्म के लिए हाँ कह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कमल हसन अभी अपने अन्य प्रोजेक्ट की शूटिंग खत्म कर रहे हैं और उसके बाद वो प्रोजेक्ट के का शूट शुरू कर सकते हैं। अगर चीजें प्लान के मुताबिक रहती हैं, तो कमल हसन अगस्त की शुरुआत में ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि प्रोजेक्ट के का प्लॉट क्या है और इसमें कमल हसन किस रोल में होंगे, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि नाग अश्विन की इस फिल्म में कमल हसन अब तक के एकदम अनोखे अवतार में नजर आएंगे। उनका किरदार नेगेटिव शेड वाला होगा। कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट के लिए कमल हसन ने 150 करोड़ रुपए की फीस ली है। मेकर्स की तरफ से इस पर कुछ भी पुख्ता नहीं है, पर खबरें हैं कि कमल हसन को मोटी फीस मिली है। फिल्म की टीम अब कमल हसन को लेकर जल्द ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है। प्रोजेक्ट के को एक साथ तेलुगु और हिंदी में शूट किया जा रहा है। इस फिल्म से दीपिका पादुकोण तेलुगु सिनेमा में एक्टिंग डेब्यू कर रही हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन और दिशा पाटनी भी नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के का बजट 500 करोड़ रुपए है। फिल्म की लगभग 70% शूटिंग पूरी हो चुकी है और ये फिल्म 12 जनवरी 2024 में रिलीज होगी। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।